हेलो ब्रदर, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत एक खुशी का दिन है। हमारे स्टूडेंट उतनू का DFR मुंबई में सिलेक्शन हो गया है PFG प्रोग्राम में। और मतलब मैं बोल नहीं सकता, अभी मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि वो DFR मुंबई एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। जितने भी लोग PhD मैथ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके हार्ट में, दिमाग में ग्रेजुएशन से ही वो बैठा होता है, चाहे इंटीग्रेटेड PhD हो, चाहे PhD प्रोग्राम हो, और उसमें भी TFR मुंबई और पटनू का हो गया फाइनली। एंड बहुत खुश हैं। अभी मैं थोड़ा सा उस जोन में हूँ, तो आज यही बात करेंगे। आज हम लोग उनसे सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे जाना है। तो जो भी स्टूडेंट्स TFR या रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ मैथ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटनू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस, ऐसा लग रहा है। हाँ सर, मतलब अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब TFR मुंबई, मतलब बहुत ही खुश भी और बहुत ही मतलब एक अनबिलीवेबल सिचुएशन में भी हुआ। क्यों अनबिलीवेबल क्यों? क्योंकि सर इंटरव्यू मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं गया था उतना, हाँ, मतलब तब भी मतलब एकदम अनबिलीवेबल। मतलब उसमें जैसे आपने बताया था कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो कुछ आपसे और भी ऐसी चीजें पूछ रहे थे, एडवांस टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा था, तो हाँ सर, हाँ सर, मुझे भी लगा कि हाँ मैंने एडमिट किया था कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता। नहीं पता है। चलिए, आपने एडमिट कर लिया तो मुझे लगा कि शायद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया है, तो मैं भी उम्मीद छोड़ ही दिया था। और लेकिन अभी आप कॉल किए कि सर हो गया, मुझे मतलब मैं बोल नहीं सकता। मेरे लिए ये जो है, आप मेरे मतलब दूसरे स्टूडेंट बोल लीजिए या एक तरीके से पहले भी स्टूडेंट बोल लीजिए जो आपके पहले रॉयल गए थे, आप अब दूसरे हैं जो TFR मुंबई जा रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ से रिटर्न तक जाते हैं, बट बहुत लोग रिटर्न नहीं पास कर पाते। आपका रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू में बहुत लोग नहीं कर पाते, आपका वो भी हुआ। अब इससे अच्छा कुछ ग्रेट न्यूज हो नहीं सकता है। जो ये वीडियो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं अटनों को, मैं इनको बता दूं, इनका GRF में ऑल इंडिया रैंक 3rd है, गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 है, NBHM भी इन्होंने क्वालिफाई किया PhD स्कॉलर, और इनका HRI में भी PhD में सिलेक्शन हो गया है। IMSC नहीं जा पाए थे हेल्थ इशू की वजह से, DFR कैंप भी नहीं जा पाए थे हेल्थ के इशू की वजह से, नहीं तो वहाँ भी हो जाता इनका। और इन्होंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये ड्रीम तक देखने के लिए अपने लाइफ में, यही बताएंगे सारा कुछ। बताइए थोड़ा अपने बारे में। हाँ सर, सर मैं वेस्ट बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और सर मेरा मतलब क्लास 12th तक पढ़ाई मेरा ही गांव के एक स्कूल में हुआ था। उसके बाद मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में उलुवेड़िया कॉलेज से मैं अपना BSc कंप्लीट किया। एंड देन सर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में सर डिपार्टमेंट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स से मेरा MSc हुआ है। तो ऐसे ही है नहीं रहा। मतलब। और यहाँ पर कब जुड़े आप? हाँ सर, मैं आपके पास सर MSc के फर्स्ट ईयर में ही जुड़ा था। मतलब उससे पहले भी आपको जानता था यूट्यूब के थ्रू से। तो सर एक आपके मतलब अप्रोच की बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग फीलिंग आया था। तो मैं मतलब ऐसे अगर हम सोच सकते तो और भी आगे जा सकते, तो उससे एक इंटरेस्ट आया। तो तब आपको सर पूरा 1 साल फॉलो किया मतलब यूट्यूब में। तो तब मुझे लगा कि आपके साथ जुड़ना चाहिए मतलब कुछ सीखने के लिए। तो उसके बाद मैंने वो MSc के फर्स्ट ईयर में ही आपके पास जुड़ा हूँ सर। हाँ बट कैसा रहा जर्नी 2 साल? सर, हाँ सर, पहले तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि उस तरह से हम अप्रोच नहीं करते पहले पहले। तो उसके बाद जब 1-2 मास क्लास हुआ तो उसके बाद मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो गया सर। और जो सर अच्छा लगा कि कंसिस्टेंसी जो आपके क्लास में हर रोज कंसिस्टेंसी जो हम क्लास करते हैं सर, वही एक बड़ा मतलब फर्क करता है सर। क्या ग्रोथ हुआ सोच में, क्या ग्रोथ हुआ? पहले
आपका थॉट और उसके बाद का थॉट पे मैथ्स के प्रति क्या चेंजेस आए? हाँ सर, तो पहले मैं मैथ करता था, यानी कि नहीं करता था, करता था तो सर मतलब बहुत प्रॉब्लम है, तो कि कुछ दूर तक गया, तो उसके बाद मुझे लगा शायद इसमें कुछ एडवांस जिनिस टॉपिक लगेगा, तो मैं छोड़ दिया बीच में। तो मतलब एक और थोड़ा दूर सोचने का जो एटीट्यूड है तो वो नहीं था। तो लेकिन सर मतलब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सर वो एटीट्यूड में थोड़ा मतलब बदलाव आया है सर, जो सर आगे जाकर मतलब बहुत ही हेल्प हुआ है मुझे। मतलब ये एटीट्यूड लग, हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब वो मतलब सोचने का जो एटीट्यूड है वो बदल रहा है सर, मतलब और भी थोड़ा कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। यस यस, ये एटीट्यूड लगता है, ये सारे जो एग्जाम्स में आप क्वालिफाई किए TFR मुंबई, मतलब थोड़ा इमेजिन किए थे कि कभी TFR मुंबई में पढ़ेंगे, मतलब क्या था TFR मुंबई को लेके बताइए। पहले तो मतलब जाने का मतलब जो जुनून है, तो मतलब बहुत दिनों से थे, मतलब मैं जब BSc का कंप्लीट हुआ मेरा, तब मैं 2021 में टॉपर के एग्जाम दिया था, तब मतलब मुंबई से कॉल नहीं आया था, तब TFR कैंप से कॉल आया था, तो ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उस टाइम इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद MSc में जो फर्स्ट ईयर में था तब से एक बार दिया था, तो तब सेकेंड स्टेज तक गया था, वहाँ पर जो सेकेंड स्टेज होता है ऑफलाइन में, तब उस तक दिखा मतलब सेकंड स्टेज तक जा पाया था सर। इंटरव्यू में तब नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, और सर इस बार मतलब इंटरव्यू तक गया और सर फाइनली सिलेक्शन। मतलब छोड़ा नहीं आपने, पहले आपका कैंप में नहीं हुआ, फिर मुंबई में भी आपने इंटरव्यू फेज तक आप गए थे पिछले बार में से फर्स्ट ईयर में, हाँ सर, और अब फाइनली आपका हो हाँ गया। सर, बहुत लोग तो बीच में गिव अप कर देते हैं, राइट, है ना? मतलब वो जो एटीट्यूड है ना, वही मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि एटीट्यूड को ठीक ठाक रखना है। मतलब एक एग्जाम खराब हुआ तो मतलब उतना भी डिसअपॉइंटमेंट ना होने की जरूरत नहीं है, तो डिसअपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे जाने के लिए मतलब पुश करेगा। तो लेकिन अपने अंदर जो मतलब एक इच्छा थी मतलब जो आगे जाने का, तो वो ठीक ठाक रहना चाहिए। वाह, मतलब बहुत बढ़िया, आपको फाइडबैक देना है, यही कहना चाहता। गुड। तो अपना मतलब ये जो एटीट्यूड था आपका, और कुछ आपके हेल्थ इश्यूज भी, वो बहुत ही पर्सनल चीज है, वी विल नॉट टॉक, बट थोड़ा सा तुम अपना बैलेंसिंग बताओ, कैसे तुम मैनेज करते थे, बिकॉज यू सफर्ड अ लॉट, राइट? उसके लिए आपने IMSC का इंटरव्यू भी छोड़ा, कैम भी छोड़ा, हाँ सर, और आप ही के बैचमेट का सिलेक्शन हो गया निम्बा का, IMSC चेन्नई में हो गया। तो क्या चल रहा था उस समय जब आपका IMSC का इंटरव्यू छूट गया, कैम का इंटरव्यू आप नहीं जा पाए हेल्थ इश्यूज की वजह से, उसमें दिमाग में क्या चल रहा था कि नहीं होगा मेरा, या क्या क्या हो रहा था उसमें? मतलब हेल्थ इशू मतलब बहुत दिनों से मतलब मैं आपको एक बात नहीं बताया अभी तक, मतलब आपके पास ज्वाइन करने के बाद भी आप डांटोगे इसलिए। सर मैं 2021 में जैम दिया था, जैम एग्जाम। हाँ सर, तब मैं IIT कानपुर में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस टाइम से मतलब तबीयत बिगड़ गए थे, तो मैंने छोड़ दिया था। तो तब से ये मतलब बहुत ही दुख लगा उस टाइम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एडमिशन लेने के बाद भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो सर तो उसके बाद मुझे मतलब और एक जाने का जुनून बढ़ गया, मतलब अच्छा, अपने आपको घर लगा में। मैं डांटूंगा इसलिए आप नहीं बताए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। बट वो कैसे मैनेज किए फिर जब कानपुर छूटा? ठीक है, अच्छा ही कि आपने अभी बताया, तो अभी बात कर लेते। तो जब आप MSc के दौरान आपका IIT कानपुर में हुआ, आप सिलेक्टेड हो गए वहां पे, फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको वो छोड़ना पड़ा, तो क्या लगा, फ्यूचर खत्म है, मतलब क्या लग रहा था उसमें? हाँ सर, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, मतलब तो अगर इस बार मैं शायद नहीं जा पाऊँ तो कभी भी नहीं जा पाऊँगा, तो ऐसा सोच रहा था। तो लेकिन हिम्मत भी नहीं छोड़ा था कि नहीं, आगे जाकर मैं फिर से कोशिश करूँगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मतलब मैथमेटिक्स में जो एटीट्यूड है वो नहीं छोड़ा, मतलब तो सर
वही आगे जाके काम दिया सर। मतलब अब इधर से भी पढ़ते हो, आपके अंदर जो मतलब एक भूख होता है सर, उसको बरकरार रखना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। मतलब यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो आप जब आईआईटी कानपुर से आए एमएससी बीच में छोड़ के ड्यू टू योर हेल्थ इश्यूज, फिर आप यहाँ जुड़े थे 2021 के दिसंबर बैच में आप ज्वाइन किए थे। 2 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें थे आप, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो आपका थॉट प्रोसेस था, वो जो एटीट्यूड था, वो अभी तक वो हेल्थ इश्यूज कभी डाउन नहीं होने दिया उसको कि नहीं छोड़ दे यार, आईआईटी कानपुर छोड़ा, मैथी छोड़ देते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, कभी कुछ ऐसा मन में नहीं आया? नहीं सर, मतलब आया नहीं, ऐसा नहीं आया कि मैं मैथ छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे मैथ से यार मतलब बहुत दिनों से, मतलब क्लास 10 के बाद ही मैं मतलब मैथ इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। हाँ बताइए, थोड़ा मतलब चाइल्डहुड के बारे में बताइए। हाँ बताइए मैथ्स के बारे में। या क्लास 10 के आगे उतना भी अच्छा नहीं था, मतलब क्लास 10 से मतलब एक मेरा एक मतलब ट्यूटर है, क्लास टीचर एक पास, जिसके पास पढ़ता था, तो वो पहले क्या होता है मतलब उसके पास मतलब पढ़ने जाने के पहले जो होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दे रहा है, और आपको जस्ट रिवाइज करके अगले दिन जाके उसको मतलब विदाउट सीइंग यू हैव टू राइट दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्व। बट उस मतलब वो जो टीचर है उसके पास मैंने जब गया तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने किया तुम सोचो, मतलब ऐसा भी हुआ कि एक दिन मतलब पूरा एक प्रॉब्लम को ही सोचने में चला गया, मतलब वो और कुछ नहीं दिया, मतलब खुद से ही करना, मतलब खुद से ही करो ऐसा किया, मतलब उन्होंने बोला। तो मतलब वहां से एक मतलब एक इंटेंशन ही बदल गया, मतलब क्लास 10 के बाद से सर वही सर इंटेंशन मुझे मतलब अभी तक भी एक एनर्जी देता है कि आज नहीं हो रहा है तो 2-3 दिन ट्राई करो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मतलब वही मतलब बड़ा इफेक्ट डाला है मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड है। तो फिर 10th अभी के बाद भी क्या सर, कि हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी भी उस सर के कांटेक्ट में, मतलब वो सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है वो सर। क्या नाम है सर का आपका? सर का नाम है कुंतल मांझी है। अरे कुंतुर मार्जा को, चलिए सर को भी हमारे साइड से एक सर को भी प्रणाम, जो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और अच्छा गाइडेंस देते हैं। रियली गुड। तो अब वो जो आपके सर 10th के बाद, फिर उसके बाद का जर्नी, उसके बारे में बताइए। तो ऐसा जब हाँ सर, थॉट उसके प्रोसेस बाद आया, हाँ सर ने कहा कि ISI का एग्जाम है वो देख सकते हो, तो सर हाँ सर दिया था उस टाइम, बट उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सर जुनून था कि फिर से दूंगा ऐसा ही एग्जाम। तो सर वहाँ से मतलब एक मोटिवेशन मिला कि इस एग्जाम इन सारे एग्जाम को देना चाहिए एटलीस्ट। मतलब और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब क्लास ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम पे और एक सर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, तो सर दीपांकर सर, दीपांकर सर है, तो उन्होंने मतलब एक एग्जाम के बारे में बताया था कि वो जो माधवा मैथ कंपटीशन, तो वो ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए होता है, और TIFR और पुणे मतलब दोनों जॉइंटली कंडक्ट कराता है। तो मैं वो उस एग्जाम को हर साल दिया था, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया लेकिन हर साल देता रहा, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग होता था जब वो एग्जाम हॉल में जाके 3 घंटे जब वो प्रॉब्लम सोचता था, अगर एक भी नहीं प्रॉब्लम हो पाता दुख नहीं होता, लेकिन मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं कुछ दूर तक जा पाया। मतलब इन सभी छोटे छोटे मतलब चीजों से ही मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और सर गुड। मतलब मैं मतलब अगर मैथ भी नहीं अच्छा लगता तो मतलब छोटे छोटे मैथ ही करता है जो मतलब ऑलरेडी कर चुका है, अगर वो करके फिर कॉन्फिडेंस आता है तो ऐसे ही करता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर इतना कुछ बैकग्राउंड होने के बावजूद फिर क्यों लगा आपको कि यहाँ जुड़ना चाहिए आपको? है। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ कर देता, तो अभी भी ऐसा नहीं लगता मैं सब कुछ कर देता, लेकिन मतलब आपके मतलब वो जो एक जो सोचने का जो अप्रोच है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब क्या बोलूँ, तो दोबारा मौका नहीं मिलता है, अगर अभी नहीं जुड़ा तो शायद बाद में नहीं भी जुड़ पाऊंगी।
तो सर इसलिए मैं सोचा कि मैं एक बार जूरी देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे मतलब बहुत ही मैं खुशी हुआ कि सर आपके पास इतने दिनों से पढ़ते आ रहा हूँ। गुड। मैं उन दोनों शिक्षक का बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने आपको एक ऐसे टाइम में नर्चर किया जब आप एक मतलब ना आप एक ऊंची मिट्टी की तरह थे। आपको एक शेप की जरूरत थी, एक डायरेक्शन की जरूरत थी, वो डायरेक्शन मिला, फिर और भी टीचर आए लाइफ में और उसकी वजह से आप यहाँ तक एफआर मुंबई तक का जर्नी सफल किए हो। एफआर मुंबई पता है क्या है? कभी इमेजिन किए हो कैसा है ये, क्या है नहीं है? हाँ सर, मतलब जानता हूँ थोड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बहुत बड़ा, मतलब इंडियन मैथमेटिशियन यहाँ से आया है, तो और 2 बार जा चुका हूँ उधर, मतलब एक अलग सा फीलिंग है। अलग सा फीलिंग है ना? क्या फीलिंग है थोड़ा बताओ यहाँ पर मुंबई के बारे में। सर मतलब डर भी लगता है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहूंगा, और अंदर से मोटिवेशन भी आता है ना, और भी आगे जाना है, तो इन दो चीजों के आगे जा रहा हूँ, डर भी है मोटिवेशन भी है। वाह। और यहाँ पर मुंबई के बगल में समुद्र है, इधर स्लाइड वॉक है, गो हाँ एंड सर, टॉक। हाँ सर, दिखता है। तो वहां जब गए थे इंटरव्यू देने लगा ना कि यार हो जाए फिर आ रहा होगा हाँ इंटरव्यू देते सर, सब। इंटरव्यू तो सर, हाँ सर, ऑनलाइन हुआ था, और एक रिटन एग्जाम दिया था, रिटन एग्जाम अच्छा हुआ था वहाँ पर, सेकंड स्टेज का। हाँ। तो अब मतलब रखूँ, अब क्या बोलूँ, जितना था देखो एग्जाम यहाँ से जितने भी हो सकता था सब किया आपने, अच्छे से किया, मन से किया। अब यही है, अच्छा काम करो जहाँ एडमिशन मिला है और ऐसे ही रहेगा लाइफ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, राइट? और काम अच्छा करो और जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें काम करो अच्छे से, और अच्छी जर्नल में पेपर पब्लिश करो, है ना? दो तीन जर्नल विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स एक उसमें से एक जर्नल है। आई मुझे बहुत विश है कि आप उस आपका पेपर उसमें हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो चीज तभी होगा जब दम होगा क्वालिटी में, कंटेंट उसमें जब दम होगा वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको अच्छा करना है, ठीक है? जो भी मेंटर वहां आपको मिले उनसे जितना सीख सकते हैं, और उनके आसपास भी जो जो लोग हैं जितना सीख सकते हैं सीखे अच्छे से, और उसको अपने रिसर्च में उतारे अच्छे से और खूब आगे बढ़े, राइट? ठीक है। तो हाँ सर, हाँ सर, तुम्हारे बहुत सारे बैचमेट हैं जिनका आ, आ, बहुत अच्छा भी नहीं हो रहा, अब हो रहा है, उनका भी टाइम आ रहा है, अब वो भी इंटरव्यूज वगैरह देंगे, अच्छे जगह होगा उनका, तो उन लोग के लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? हाँ सर, मतलब सब जगह इंटरव्यू देना चाहिए, मतलब एक जगह खराब हुआ तो ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू का एक मतलब अलग से इम्पोर्टेंस है कि ये आपको एक्सपीरियंस देगा, और अगर जिस इंटरव्यू में आप फेल हुआ तो उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगले इंटरव्यू में आपको बहुत ही काम में देगा। काम तो देगा। मुझे मन में भी आप इंटरव्यू सब जगह दो, तो अपना बेस्ट दीजिए, तो तब आगे देखते हैं क्या होता है। गुड गुड। मतलब एटीट्यूड को एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप में। और जो बच्चे अब देंगे अगले साल टीएफआर, जो एमएससी फर्स्ट ईयर में आपकी तरह हो या सेकंड ईयर में हो या बीएससी थर्ड ईयर में हो या अभी जा रहे हैं जो अगले साल जिनका ड्रीम है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ सर, मतलब मैं अलग से कुछ क्या बोलूँ सर, वो बोलिए बोलिए। अपने पेपर, हाँ सर, मतलब वो अपना जो प्रिपरेशन ले रहा है उसको लेते जाइए, और मतलब जो मतलब आपने जिस उम्मीद से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया था, तो उस उम्मीद को मत छोड़िए, तो एंड तक जाइए, मतलब एग्जाम के एंड तक अब जितने हो पाए आप आपके एंड से, तो आप उतना दीजिए, तब आगे जो होगा सब देखा जाएगा। गुड गुड। फाइनली कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मतलब क्या बोलूँ, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारा मैसेज ही यही था, तुम्हारा हाँ सर, मैसेज ही यही था। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सर गॉट सेलेक्टेड एट टीएफआर मुंबई, इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। तुम्हारा मैसेज ही यही था, तो मतलब
मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मतलब यू डिजर्व, तुम डिजर्व करते हो, मेरे पास भी वर्ड नहीं है, समझे ना। मैं भी एक अलग जोन में हूँ अभी, और थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी है मेरे लिए। एंड सबका ड्रीम होता है याफा मुंबई, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसे होते हैं जिसके लिए लोग बहुत जी जान से पढ़ते हैं। बस तुम्हें मैं कॉन्क्लूशन देता हूँ फिर से, और भी जो स्टूडेंट्स हुए हैं उन लोगों को, और जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं ही बोलना चाहूंगा, इफ यू ड्रीम इट कैन हैपन, लुक एट हिम। हाँ सर, मतलब ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनल फीलिंग है, मैं 3 बार TFR में रिटेन टेस्ट दिया हूँ, तब जाके अभी हुआ है। मतलब ये अलग सा फीलिंग है, मतलब फाइनली ग्रेजुएशन में और सर मास्टर डिग्री में दो बार। हो गया, तब लगे रहना चाहिए, उसका ये आप पिता हाँ जागता उदाहरण है। आपसे बात हम लोग करेंगे, बहुत बात करेंगे, एंड यहीं पे अब हम लोग स्टॉप करेंगे। तो जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होप आप लोग इनसे सीखे होंगे, और आगे TFR 2025 या आगे उसके आगे जाना है, सीखना है मैथ, और इससे भी इम्पोर्टेंट, TFR मिले ना मिले वो तो लाइफ में चलता रहेगा, इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या अपने डे टू डे लाइफ में मैथ्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं पहले और अभी में, कितना अंतर है आपके थिंकिंग में, सोचने में, तरीके में, वो मैथ है। वो अगर इंटेंशन है तो डेफिनेटली आप अच्छा मैथमेटिक्स एट द एंड करेंगे, और उस चीज में अगर जरूरत है, यू नीड दैट सपोर्ट, यू शुड मेल अस, हम यहाँ रेगुलर वगैरह बैचेस रहते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर, टिल देन एंजॉय, ओके, एट नो, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, चलो, थैंक यू।